Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. सर, जैसे 2019 का आज लास्ट दिन है और 2020 आ रही, जिसे हम 2020 भी कह सकते हैं, जैसे 2019 में कार्य हुए 2020 में ऐसे ही काम होंगे 2020, और इस मौके पे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे? मैं जनता को ये शुभकामना देना ज़रूरी समझता हूँ कि आप सब मिलकर इस देश में आपस में धर्म के नाम, जाति के नाम, जो टुकड़े टुकड़े करने वाले जितने भी गैंग हैं उनके खिलाफ़ एक मूवमेंट में शामिल होकर 2019 को जैसा हम लोग आलीशान ऐतिहासिक माना गया, इसी तरह 2020 को इससे ज़्यादा ऐतिहासिक दिन में गिनने के लिए हम लोग इतिहास को लिखेंगे और लिखकर जो है इतिहास को ताज़ा करेंगे। आप सबको शुभकामना है। आप सबके ज़रिए मैं क्या बोलूं, मैं आपको यही कहूंगा कि ये अफसोस से शुरू हो रहा है, हम 2020 तक जाने नहीं देंगे। जो आपस का लड़ाई देख के मुझे बहुत ही दिल में चोट लगा कि 2019 में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे धारा 370, 35 और राम जन्मभूमि, तो उसको लेके आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे उस गवर्नमेंट? 2020 में आलीशान राम मंदिर बनने का मैं शुभकामना देता हूँ मोदी जी को, और मोदी जी के सेहत के लिए, खास करके इस देश के लिए एक शेर की तरह लड़ने वाले हमारे देश के जो है वीर है, उनको हम शुभकामना के देता हूँ, और हमारे देश के फौजियों को भी बहुत ही वो करता हूँ कि हम समझता है कि पाकिस्तान को इस देश का दुश्मन को दुनिया का मैप से हटाने का काम आप कीजिए। दुनिया में पाकिस्तान हम आप 2020 में नहीं दिखेगा, पाकिस्तान ख़त्म होगा, इसका जो है संदेश आपको दे देता हूँ, और हम लोग इसके लिए पूरा लड़ाई लड़ेंगे और युवा शक्ति खुस के मारेगी उसको। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।